Welcome to Dr. Gunjan's classes. Myself, Dr. Gunjan Goyal. And today we are going to do the part 7 of chapter number 1 of our unit number 1 of your class 10. So our chapter is chemical reactions and equations. So this is the last part of this video of this chapter. So after completing this video, we are done with chapter number 1 of your class 10. So let's start with our video. So what are the contents we are going to study? So isme hum log padhne wale hain hamari last type ki reaction, that is redox reaction. So redox reaction ko padhne se pehle hum dekhenge ki oxidation reaction kya hoti hai, reduction reaction kya hoti hai, fir hum dekhenge ki oxidizing aur reducing agents kaun se hote hain. Theek hai, then do bahut hi important topics, ऑक्सीडेशन का इफेक्ट देखने वाले हैं हम, उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, वन इज करोजन एंड अनदर वन इज रेंसिबिलिटी. सो जो करोजन है और रेंसिबिलिटी है, ये क्या होती है और इनको किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन दिस पॉइंट. सो द फर्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू डू इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. सो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, जब कहां कहीं पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन. जहां पे ऐसा हो रहा है, दैट मींस दैट सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड. यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. वेयर एज रिडक्शन में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है. रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा. रिडक्शन ऑक्सीडेशन से अपोजिट है. ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है. आप इस चीज को याद कर लीजिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना. जब आपने ऑक्सीडेशन याद कर लिया तो जो उसकी अपोजिट चीज हो रही है वो रिडक्शन हो रही है. ठीक है, जब किसी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है उसको हम ऑक्सीडाइज बोल देते हैं. जब किसी सब्सटेंस में रिडक्शन हो रही है तो उसको हम लोग रिड्यूस्ड बोल देते हैं. ठीक है, जैसे जो ऑक्सीडेशन का एक और मीनिंग होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना. जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसको हम बोलते हैं उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उसमें रिडक्शन हो रही है, यानी कि वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, बेसिकली अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, अब आप देखिए इसमें कार्बन मोनोक्साइड में यहाँ रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में क्या फर्क आ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. यानी कि इसके अंदर क्या हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब हुआ, ऑक्सीडेशन. वेयर एज आप Fe2O3 रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में आयरन बन, यहाँ पे क्या डिफरेंस आया कि ये ऑक्सीजन का रिड्यूस हुआ, रिमूव हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया. ये क्या मतलब हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मींस रिडक्शन, राइट. तो जब ये रिएक्शंस एक साथ हो, ये दोनों रिएक्शंस, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जब एक साथ हो, इनको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस या फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. जैसे कि आप ये एग्जाम्पल देखिए, जिंक जब कॉपर के साथ कंबाइन करता है तो इसमें जो इसके आयंस हैं, ये क्या होंगे, जो आयंस का, जब आयंस जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब वो गेन करेगा तो उसको बोला जाएगा रिड्यूस्ड, जब वो लूज करेगा तो वो बोला जाएगा ऑक्सीडाइज. यहाँ पे Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो गई, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव से ये Cu में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन. ठीक है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वो होगा रिडक्शन, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वो होगा ऑक्सीडेशन. तो जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होंगी तो उसको बोला जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, एजेंट का क्या मतलब हो,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, ठीक है, जो किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा. तो दिस बिट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझना, बट इट्स नॉट दैट टफ. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट से याद कीजिए, एजेंट क्या करता है, एजेंट वो काम करता है जो उसका नाम स्पेसिफाई कर रहा है. डिटेक्टिव है तो वो डिटेक्टिव ही, मतलब वो फाइंड आउट ही करेगा ना चीजें. तो दैट मीन्स जो एजेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो ऑक्सीडाइज ही करेगा, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस. सिमिलरली जो रिड्यूसिंग एजेंट है दूसरे को रिड्यूस करेगा, बिकॉज वो रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ठीक है, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो ऑक्सीजन जो है दूसरे सब्सटेंस को देखकर हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं. ठीक है, तो बेसिकली आप ऑयल से याद कीजिए, यहाँ पे O means oxidation, L means loss of electrons. So oxidation का मतलब है loss of electrons. So यहाँ पे X जो है X में electrons, जो X है वो oxidized हो रहा है by Y. ठीक है, so X जो है अपने electrons lose करके Y को दे रहा है. तो जब X ने electrons lose कर दिए तो X क्या हो गया, reducing agent. ठीक है, और y क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. y ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दिया, राइट. सो रिग से याद कीजिए, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, रिड्यूसिंग एजेंट तो दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाए. ओके, देन इज दो हम लोग रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जो ऑक्सीडेशन के कारण होती हैं. वन इज करोजन एंड अनदर वन इज रेंसिडिटी. फर्स्ट हम करोजन पढ़ने वाले हैं. करोजन का क्या मतलब है, एक नेचुरल प्रोसेस है जहां पे कोई भी मेटल, जैसे कि आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये कोई भी मेटल जो है अपनी और स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे. जैसे कि आयरन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर से वो ऑक्सीजन ले लेता है और उसको मॉइस्चर भी एयर से मिल जाता है, तो क्या बन जाता है, FeO3 आयरन ऑक्साइड बन जाता है. तो आयरन ऑक्साइड मतलब रस्ट लग गई उसको, तो रस्ट लग जाना जिससे चीजें खराब हो जाती है. ठीक है, तो जैसे आप कॉपर है, जब कॉपर में मॉइस्चर आता है तो कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है. ग्रीन कलर का क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको एयर से उसने मॉइस्चर ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड से और वो हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट बन गया. ठीक है, जैसे सिल्वर है, सिल्वर का कलर आप देखेंगे टार्निश कर जाता है, सिल्वर काली पड़ जाती है, आपने देखा होगा जब उसमें मॉइस्चर आता है हाइड्रोजन सल्फाइड से वो कंबाइन करती है तो सिल्वर सल्फाइड बन जाती है. So what is this phenomena called? जहाँ पे ऐसा सब कुछ हो रहा है इसको बोला जाता है corrosion. Iron की corrosion को बोला जाता है rusting. Whereas सारी process को जिसमें कोई भी refined metal अपनी oxide, hydroxide या sulfide form में convert हो जाए in the presence of oxygen, और उसको बोला जाता है corrosion. So corrosion को ठीक कर, corrosion को बचाने के लिए, corrosion से बचाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है. करोजन इंजीनियरिंग एक फुल फॉर्म, एक पूरी एक फील्ड है जो इस काम में लगी हुई है कि करोजन को रोक सके. बिकॉज करोजन क्या बहुत ज्यादा डैमेज करती है एवरी ईयर, जैसे कार की बॉडीज आयरन की बनी होती है, ब्रिजेस हो गए, आयरन रेलिंग्स हो गई, शिप्स हो गई, ये सारी की सारी मेटल्स की बनी हुई है, स्पेशली आयरन की बनी होती है, जिसके कारण रस्ट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं. सो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड एवरी ईयर टू रिप्लेस दिस डैमेज्ड आयरन. सो इस आयरन को डैमेज होने से बचाने के लिए व्हाट कैन बी डन यहाँ पे इसको बोला जाता है गैल्वनाइजेशन. गैल्वनाइजेशन में क्या होता है कि जिंक से आयरन के ऊपर जिंक से स्प्रे किया जाता है, उसकी एक कोटिंग की जाती है जिससे उसको रस्ट नहीं लगता. दैट इज कॉल्ड एज गैल्वनाइजेशन. या उसके ऊपर पेंट किया जाता है,
ठीक है, या फिर ऑयल किया जाता है उसके ऊपर. सो दीज आर ऑल मेथड्स विच कैन बी डन टू प्रिवेंट दी आयरन फ्रॉम गेटिंग करोडेड. उसको करोजन से बचाने के लिए डिफरेंट वेज यूज किए जाते हैं. ठीक है, सो गैल्वनाइजेशन इज वन ऑफ देम, जहाँ पे स्टील और आयरन को रस से बचाने के लिए उसको थिन लेयर ऑफ जिंक से कोट किया जाता है. राइट, देन वॉट आर द अदर मेथड विच कैन बी डन? पेंटिंग, गैल्वनाइजेशन वी हैव डन, एलॉइंग या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनॉइडाइजेशन, some enameling. So these are some of the things which can be done to prevent the metals to get corroded. Okay. So another is rancidity. अब rancidity क्या होती है? Rancidity मतलब जैसे आपने देखा होगा कोई भी चीज, कोई भी fat या fatty foods जो होते हैं, जब उसमें smell आने लग जाए, so that means उसमें oxidation हो गई, वो खराब हो गई चीज. ठीक है, सो रेंसिडेशन बेसिकली क्या होता है? रेंसिडिफिकेशन, इट्स अ प्रोसेस प्रोडक्ट जो बनता है, विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रेंसिडिटी. एक ऐसा प्रोसेस जहां पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल या टेस्ट आने लग जाए, वो खराब हो जाए, रेंसिड हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी. तो एक नॉर्मल सेल जब फ्री रेडिकल से बाहर से ऑक्सीजन मॉइस्चर ले लेता है, वो एनवायरनमेंट से फ्री रेडिकल्स से अटैक करता है, तो उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो गई. तो इस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर सकते हैं. सो नेचुरल अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट्स खाने की चीजों में क्या क्या यूज किए जाते हैं? तो जैसे कि विटामिन सी हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया, विटामिन ई हो गया, ये सारे के सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि सामान को खराब होने से प्रिवेंट करते हैं. या फिर हम लोग इनको जो कलर्ड ग्लास कंटेनर्स हैं उनमें स्टोर कर सकते हैं, ताकि लाइट्स ना पड़े उनके ऊपर और उनकी ऑक्सीडेशन को, फैट्स की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट किया जा सके. या वैक्यूम पैकेजिंग की जाती है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेंसिडिटी है वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं. ठीक है, और अगर आप देखें कि जो चिप्स है ट्रांसपोर्ट के टाइम पे नाइट्रोजन जो गैस है, ठीक है, वो यूज की जाती है ताकि जो चिप्स की ब्रेकेज ना हो. जब ट्रांसपोर्ट होते हैं चिप्स, तो उनकी ब्रेकेज को प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है. सो जस्ट टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, वॉट आर द थिंग्स विच कैन बी डन? इनर्ट गैसेस को पैकेजिंग के टाइम पे यूज करते हैं, ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर ली हमने, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में आप उनको स्टोर कर सकते हैं, देन एंटीऑक्सीडेंट्स आप यूज कर सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स विच कैन बी यूज टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी. ओके, सो दिस कवर्स योर चैप्टर नंबर वन ऑफ योर क्लास 10, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. And I hope this chapter is clear with you. And please go through your NCERT book after watching this video and have a better understanding of this chapter. And try to solve the questions on the backside of your NCERT. And if you're getting any doubts in those questions, you can contact me. I will reply ASAP. And if you like this video, then please press the like button and share this with your friends. And kindly subscribe to this channel if you are new to this channel.